गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर सीरीज फॉर मैथमेटिक्स क्लास 10। बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 2.2 खत्म की थी। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 2.3 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है? क्या लिखा हुआ है? डिवाइड द पॉलिनोमियल पीएक्स बाय द पॉलिनोमियल जीएक्स एंड फाइंड क्वोशेंट एंड रिमाइंडर इन ईच केस। करना क्या है, हमारे पास दो पॉलिनोमियल है पी एक्स और जी एक्स, ठीक है? हमको इसको इससे डिवाइड करना है, ठीक है ना? हमें क्या करना है, डिवाइड करना है इन दोनों को, और इस केस में हमें क्वोशेंट और रिमाइंडर ढूंढना है। ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें समझ लेते पहले, फिर इसके क्वेश्चन एक एक करके हम सारे करेंगे, ठीक है? पहले बेसिक्स करते हैं। देखो, बेसिक्स में जो छोटी मोटी चीजें हैं वो समझेंगे हम। एक एग्जांपल लेता हूं, देखिए। एक नंबर है, यहां पे मैं 3 को डिवाइड कर रहा हूं 34 से। 3 1 जा 3, 0 बचेगा, 4 नीचे आएगा, 3 1 जा 3, 1 बचेगा, करेक्ट है? अब ये 1 तो इससे छोटा हो गया तो यहां पर रुक जाता है, ठीक है ना? फिलहाल मैं इसका आंसर पॉइंट में नहीं निकाल रहा हूं, अभी यहां रुक जाता है। देखो, अब एक काम करते हैं, जो यहां पे लिखा होता है ना उसे बोलते हैं डिवाइसर। क्या बोलते हैं? डिवाइसर। जो यहां पे लिखा होता है उसे बोलते हैं क्वोशेंट। जो यहां आता है एंड में, जब देखो, जब ये नंबर इस वाले नंबर से छोटा हो जाएगा तब इसे बोलते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर। और इसे जो यहां ले रहा है स्टार्टिंग में, इसे बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। अब एक काम करो, पहले नाम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को और 11 को मल्टीप्लाई करते हैं। क्या आंसर आ रहा है? 33। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। फिर इसमें 3 × 11 ये जो है, इसमें ये वाला जोड़ते हैं 1, ये रिमाइंडर जोड़ते हैं। तो देखो ये क्या है, 33 और ये 1, आंसर कितना आया? 34। और ये तो क्या है हमारा? डिविडेंड। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप 3 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे और 1 जोड़ोगे, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे और उसमें ये रिमाइंडर जोड़ोगे, तो क्या आएगा आपका? 34, और वो तो आपका डिविडेंड है। तो एक्चुअल में फॉर्मूला क्या बनता है, डिविडेंड इज इक्वल टू, ये क्या है आपका? डिवाइसर। 3 आपका डिवाइसर है, इंटू 11 क्या है? क्वोशेंट, राइट, प्लस 1 क्या है आपका? रिमाइंडर, है ना? तो ये फॉर्मूला बन जाता है, ये फॉर्मूला आपने पहले पढ़ा भी होगा। तो ये कुछ बेसिक बातें थी। अब देखो, हमें ना इस एक्सरसाइज में हमें ऐसे सिंपल नंबर नहीं दिए होंगे 3, 34, हमें दो पॉलिनोमियल दिए होंगे। अब पॉलिनोमियल को डिवाइड करना तो हम कब से 8 से ऑलमोस्ट 7 क्लास से सीख रहे हैं, 9th में भी ऐसे खूब सारे क्वेश्चन आए थे। अगर आप भूल गए हैं तो आपका वापस से भी कवर हो जाएगा। अभी हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? स्टार्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि उसके क्वेश्चन कैसे करने सारे, है ना? तो इसका मैं फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, एक्सरसाइज 2.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है मैं वो ले रहा हूं अभी यहां पे। देखो, एक्सरसाइज 2.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका फर्स्ट दे रहा हूं, ठीक है ना? पी ऑफ एक्स उसमें दिया हुआ है -3x² + 5x - 3। जो जी एक्स दिया हुआ है वो है x² - 2, ठीक है? तो हमें इसको इससे डिवाइड करना है। तो क्या करना है समझो, पहले वही ऐसे ड्रॉ करना है, ये वाला बाहर लिखना है, जी ऑफ एक्स x² - 2 और ये वाला अंदर लिखना है। अब देखो करेंगे कैसे, समझते हैं।
जब भी हम जो अंदर वाला पॉलिनोमियल लिखा हुआ इसका आपको क्या करना है, देखो सबसे बड़ी पावर कहां पर, देखो यहां पर x की पावर 3 है, यहां पर x की पावर 2 है, यहां पर x की पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, सबसे बड़ी पावर कौन सी x की, ये रही है ना, इसको मैं बोलूंगा दादा वाली टर्म, सबसे बड़ी वाली टर्म है। अब बाहर में आ जाओ, बाहर में सबसे बड़ी पावर कहां पर, x की पावर 2, तो यहां पर ये वाली सबसे बड़ी टर्म, इन दोनों को पकड़ना है, ठीक है ना। अब एक कंसेप्ट याद रखो, जो कंसेप्ट का मैं जो उस कंसेप्ट का नाम होता है साइन नंबर वेरिएबल। कंसेप्ट क्या है, साइन नंबर वेरिएबल, वापस सुनो, साइन नंबर वेरिएबल। ये मंत्र आपको याद रखना है, सबसे पहले हम साइन को देखेंगे, फिर नंबर को देखेंगे, फिर वेरिएबल को देखेंगे। अब आप सोचेंगे ये क्या है, ये साइन नंबर वेरिएबल क्या है, तो इसको समझते हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखो यहां जो हमारी जो सबसे बड़ी टर्म है x की पावर 3, यहां पे कौन x की पावर 2, सबसे पहले आप साइन को देखो, इसके आगे साइन क्या है, कुछ नहीं मतलब प्लस है, इसके आगे साइन क्या है, कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस, ठीक है, पहले साइन हो गया। अब नंबर, इसके आगे क्या नंबर है, कुछ नहीं मतलब 1 है, इसके आगे कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है, तो देखो यहां पर नंबर क्या है 1, और यहां पर नंबर क्या है 1, तो मैं 1 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरा 1 आ जाए, ऑफकोर्स 1 में 1 ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पे क्या लिखना है हमको, 1 लिखना है, बात समझ में आ रही है, 1 करेक्ट है, तो नंबर भी हो गया। अब आएंगे वेरिएबल, अच्छा यहां पे x की पावर कितनी है 2, यहां पे x की पावर कितनी है 3, तो एक x कम पड़ गया ना, यहां पे 2x है, यहां पे 3x है, एक x कम पड़ गया, तो हमको यहां पे एक x लगाना है, बात समझ में आ रही है, तो ये हो गया साइन नंबर वेरिएबल, करेक्ट है ना। अब देखो अब क्या करना है, अब हमें यहां पर कुछ मिला प्लस 1x, देखो ये 1 तो हम नहीं लिखे चलता है, पर मैंने ऐसे ही सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, वैसे इसको नहीं लिखते हैं, सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, ठीक है ना। अब देखो अब क्या करेंगे, अब हमें जो ये मिला प्लस 1x, इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, वापस से वही, पहले ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। अब देखते हैं, देखो सबसे पहले क्या करना है, पहले वही साइन लिखना है, इसके आगे साइन क्या है प्लस, इसका क्या है प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस आएगा, फिर नंबर, इसके आगे भी 1 है, इसके आगे भी 1 है, 1 1 जा 1। अब x, x स्क्वायर है, ये x है, तो x, x स्क्वायर इंटू x है ना, x स्क्वायर इंटू x क्या होता है, x की पावर 3, तो यहां आ गया x की पावर 3। अब यहां पे x की पावर 3 का दिख रहा है, यहां पे, तो इसको यहां पे लिखो, है ना, x की पावर 3। अब आप सोचेंगे मैंने ये प्लस और 1 तो लिखा ही नहीं, देखो कोई जरूर नहीं है, अगर किसी का कोई साइन नहीं होता है मतलब प्लस तो होता ही है, और कोई नंबर नहीं मतलब 1 तो होता ही है ना, ठीक है, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए लिखा था, ठीक है ना। ओके अब बारिश की है, तो अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले साइन, देखो ये ऐसा लिखने का फायदा क्या होता है कि जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो हमें स्पष्ट आंसर मिलता है, कैसे, देखो इसके आगे साइन क्या है प्लस, इसके आगे साइन क्या है माइनस, तो प्लस इंटू माइनस माइनस आया, फिर इसके आगे नंबर क्या है 1, इसके आगे नंबर क्या है 2, 2 1 जा 2, यहां पे तो कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये x का क्या आएगा x, तो आंसर क्या है माइनस 2x। अब यहां पे सिर्फ x कहां पे लिखा हुआ है, सिर्फ x यहां पे ही है, यहां लिखेंगे माइनस 2x। अब क्या करते हैं, यहां पे प्लस है तो माइनस करेंगे, यहां माइनस है तो प्लस करेंगे, देखो ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल। अब देखो इसको तो ऐसा कैसा लिखेंगे, माइनस 3x स्क्वायर, यहां पे देखो यहां पे दोनों साइन सेम, ये भी 5 प्लस का है, ये भी यहां पर 2 प्लस का है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, 5 और 2 7 प्लस का प्लस x माइनस 3, बात समझ गए, दोनों सेम है ना, साइन सेम है, ठीक है, प्लस और प्लस है दोनों। अब हमें कुछ नया मिला, अब यहां पे x की सबसे बड़ी पावर कहां पे, ये भी है ना, x की पावर 2, यहां तो x की पावर 1 ही है, तो इसको लेके चलना है, इस वाले को लेके चलेंगे, ठीक है। अब यहां पर तो देखो यहां पर तो x की पावर 2 ही थी सबसे बड़ी, ठीक है ना, यहां पे अब x की पावर ये बन गई। अब वापस से वही करना है, साइन नंबर वेरिएबल, इसके आगे साइन क्या है, कुछ नहीं मतलब प्लस है, इसके आगे क्या है माइनस, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, ठीक है। अब नंबर, यहां पर नंबर क्या है 1, यहां पर नंबर क्या है 3, तो मैं ऐसा 1 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरा 3 आ जाए, तो ऑफकोर्स 3 मल्टीप्लाई करने का, तो 1 3 3 आ गया, यहां पे क्या लिखना पड़ेगा हमको 3। अब यहां पे x की पावर 2 है, यहां भी क्या x की पावर 2 है, देखो दोनों की पावर सेम है ना, तो हमें यहां x की जरूरत
है ही नहीं, करेक्ट है। तो हमें यह नंबर मिल गया माइनस थ्री। अब इस माइनस थ्री को हमें इससे भी मल्टीप्लाई करना है और इससे भी मल्टीप्लाई करना है। पहले इसको करेंगे इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको करेंगे इस वाले से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो करते हैं, देखो वही मंत्र, साइन नंबर वेरिएबल, पहले साइन को देखना है हमेशा। देखो इसके आगे कुछ नहीं, मतलब प्लस है, इसके आगे माइनस है, प्लस इंटू माइनस माइनस। इसके आगे नंबर क्या है, कुछ नहीं मतलब वन है, इसके आगे नंबर क्या है, थ्री, तो वन इंटू थ्री थ्री। अब समझो यहां तो कोई वेरिएबल नहीं है एक्स, यहां तो कोई वेरिएबल नहीं, यहां पे एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो क्या एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है ना। अब तो यहां पे एक्स स्क्वायर का दिख रहा है, यहां पे मुझे दिख रहा है माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, इसको लिख दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, ठीक है। देखो इसके आगे साइन क्या है, वही साइन नंबर वेरिएबल, पहले साइन, माइनस माइनस प्लस, फिर नंबर टू थ्री जा सिक्स। इसके पीछे भी कोई वेरिएबल नहीं है, इसके पीछे भी कोई वेरिएबल नहीं, आंसर आएगा हमारा सिक्स। अब यहाँ पे खाली सिर्फ नंबर कहाँ पे, देखो यहाँ पे तो एक्स है, इस सिक्स में कोई वेरिएबल नहीं, तो ये मतलब कांस्टेंट है। यहाँ पे कांस्टेंट कहाँ पे है, माइनस थ्री, तो यहाँ लगा दिया सिक्स। ये माइनस तो बन जाएगा प्लस, ये प्लस बन जाएगा माइनस, ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये नीचे का नीचे। अब देखो इसके आगे भी माइनस है, इसके आगे भी माइनस है, साइन सेम सेम है, तो एड होंगे, सिक्स और थ्री कितना हो गया नाइन, और साइन किसका आएगा, माइनस का ही आएगा, क्योंकि दोनों के आगे सेम ही साइन है ना, तो साइन माइनस ही रहेगा, हमारा आंसर आ गया। देखो अब हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्यों, समझना। देखो ये क्या है, हमारा डिवाइसर है हमारा ये, ठीक है। देखो इसकी डिग्री कितनी है, टू। इसकी डिग्री कितनी है, देखो यहां पर एक्स की पावर कितनी, हाइएस्ट पावर एक्स की कितनी है, वन है ना, इसकी डिग्री वन है, तो इसकी डिग्री इससे छोटी हो गई है। अब ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, अब हमें यहां रुक जाना है, बात समझ में आ रही है आपको, हमें यहां पे रुक जाना पड़ेगा, एकदम क्लियर है। तो अब देखो हमें इसको क्या बोलते हैं, क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन क्या आया, एक्स माइनस थ्री। देखो मैंने ये प्लस और वन नहीं लिखा है, कोई साइन नहीं मतलब प्लस है, और कोई नंबर नहीं मतलब वन है, और रिमाइंडर क्या आया हमारा, सेवन एक्स माइनस नाइन, ये रिमाइंडर होता है, करेक्ट है। बस हमें यही करना है, इसमें सिर्फ डिवाइड करना है, बात समझ रहे हो आप। ऐसे ही हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन।